होली की स्पेशल पार्टी को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी दही पुचका। दही पुचका आसाम का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्ट्रीट फूड है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसमें खूब सारे फ्लेवर हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, और इसमें कई तरह की चाट का और गोलगप्पे का आपको साथ साथ फ्लेवर मिलेगा, तो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दही पुचका बनाने के लिए सबसे पहले ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें आधा कप मैं धनिया डाल देती हूँ, 15 से 20 पत्ते पुदीने के डाल देंगे जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और फ्रेशनेस भी आएगी। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ मूंगफली ली है, इसको रोस्ट किया है और उसके छिलका निकाल दिया है, इससे एकदम अच्छी थिकनेस आएगी। अब 2 हम हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही साथ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। 1/4 छोटी चम्मच में काला नमक डाल रही हूँ, इससे टेस्ट आएगा। 1/4 छोटी चम्मच हम यहाँ भुना हुआ जीरा डाल देंगे। 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला। 1 चम्मच में यहाँ नींबू का रस डाल रही हूँ और साथ ही साथ हम ठंडा पानी डालेंगे, 3 से 4 बड़े चम्मच ठंडा पानी डालेंगे, इससे चटनी का कलर एकदम हरा रहेगा। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही प्यारा इसमें कलर आया है और बहुत ही अच्छी चटनी बनकर तैयार हुई है। और इसमें अगर आप मूंगफली डालेंगे तो इसकी थिकनेस बहुत ही अच्छी आएगी। तो चलिए, चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गोलगप्पे के लिए पानी बना लेते हैं। तो ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें आधा कप हम धनिया डाल लेंगे और साथ ही साथ 15 से 20 हम यहाँ पुदीने के पत्ते डाल लेते हैं और इसके धनिया के डंठल डालेंगे साथ में, जिससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। अब इसमें 2 हरी मिर्च डाल लेते हैं, साथ ही साथ 3 से 4 टुकड़े मैंने यहाँ अदरक के लिए हैं, 2 नींबू का रस लिया है मैंने, 6 बड़ी चम्मच हम चीनी डाल लेंगे। चीनी अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच हम यहाँ इमली का पेस्ट डालेंगे, अगर आपके पास इमली की खट्टी मीठी चटनी है तो उसके 6 बड़े चम्मच आप डाल लीजिए, तो आप चीनी मत डालिए और ना ही इमली का पेस्ट, बस 6 बड़े चम्मच आप इमली की चटनी डाल दीजिए। अब थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे, मसाले डाल लेंगे, 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटी चम्मच हम भुना हुआ जीरा डाल लेंगे, 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल लेंगे, 1/4 छोटी चम्मच काला नमक। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये लीजिए, ग्राइंड मैंने कर लिया है इसे। अब छान लेते हैं, जो भी रेसे होंगे अदरक के या फिर धनिया के तो वो निकल जाएंगे। अब इसमें 4 कप हम पानी डाल लेंगे, लगभग 1 लीटर हम पानी डाल लेते हैं इसमें। मैंने पहले भी पानी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, गोलगप्पे का तीखा पानी, मीठा पानी और तीखा, मीठा, खट्टा, तीनों फ्लेवर, मैंने तीनों तरह का पानी आपके साथ शेयर किया है। आप वहां जाकर जरूर चेक कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, जो भी आपको पसंद हो आप वही बना लीजिए। तो इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल देंगे जिससे ठंडा हो जाएगा और इसमें ठंडा पानी ही हम डाल लेंगे। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है। थोड़ा सा मैं इसमें आधी छोटी चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ जिससे बहुत ही प्यारा कलर आएगा, डाल लेते हैं। और यहाँ आप नमक या जो भी चीज़ आपको कम या ज़्यादा लगे वो आप डाल सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी इसमें बूंदी डाल रही हूँ, तो 3 से 4 बड़ी चम्मच मैंने बूंदी ली है, आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल सकते हैं। और 2 से 3 चुटकी इसमें हींग डाल देंगे जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, आप ज़रूर डालिए। तो ये लीजिए, गोलगप्पे का खट्टा, मीठा, तीखा, तीनों तरह का पानी बनकर तैयार है। मुझे ये ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसलिए बनाया है। अब हम इमली की चटनी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 200 ग्राम यहाँ इमली का पल्प लिया है। पहले भी मैंने आपके साथ इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर की है, उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं।
अब जितना हमने पल्प लिया है सेम क्वांटिटी का हम इसमें गुड़ डाल लेंगे। तो गुड़ डालते हैं, 200 ग्राम मैंने यहाँ पल्प लिया है, तो 200 ग्राम ही हम गुड़ डाल लेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट होने तक पका लेंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो पानी गुड़ के मेल्ट होने के बाद भी डाल सकते हैं, मैं पहले डाल रही हूँ। तो इसे पका लेते हैं, बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा। देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो स्वाद अनुसार हम नमक डाल लेंगे। इसमें 1/4 छोटी चम्मच मैंने नमक लिया है, 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच मैंने काला नमक लिया है, 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला और 1/4 छोटी चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर लिया है। मिला लेते हैं सभी चीज़ों को और 2 से 3 चुटकी हम हींग डाल लेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 से 3 मिनट और पका लेंगे, बस चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए चटनी बनकर तैयार है, ये हल्की सी पतली है लेकिन ठंडा होने के बाद गाढ़ी हो जाएगी। अब हमने यहाँ 500 ml दही ली है, ये थोड़ा सा गाढ़ी वाली दही है। मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डालकर इसे अच्छे से फेंट लिया है। तो अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ छोले लिए हैं करीब करीब 1 कप। इसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर भिगोने के बाद इसे मैंने 5 से 6 सीटी लगाकर उबाल लिया है। साथ ही साथ काला चना लिया है, इसे भी ऐसे ही उबाल लिया है। थोड़े से हम यहाँ प्याज लेंगे, थोड़े से टमाटर लेंगे। प्याज या टमाटर आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, अगर प्याज नहीं पसंद तो आप मत लीजिए। 2 मैंने यहाँ उबले हुए आलू लिए हैं जिसको कट कर लिया है। 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ मूंग ली है, मूंग को मैंने अच्छे से भिगो दिया था 5 से 6 घंटे के लिए और फिर उबाल लिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ, नमक मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि जो भी चीज़ हमने उबाल ली थी उनके साथ ही मैंने नमक भी डाल लिया था। आधी छोटी चम्मच यहाँ हम चाट मसाला डाल लेंगे, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरे का मसाला डाल लेंगे, आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। आधी छोटी चम्मच यहाँ मैंने धनिया पाउडर डाल लिया है और आधा मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ। तो चलिए मिक्स कर देते हैं। आप यहाँ अपनी पसंद से मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। तो ये लीजिए गोलगप्पे की फिलिंग भी तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फिलिंग है ये। अब मैंने यहाँ रेडीमेड गोलगप्पे लिए हैं, बहुत ही आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएंगे, तो मैंने ये लिए हैं। आप चाहें तो घर पर बना सकते हैं। गोलगप्पे की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है पहले। तो अब मैंने इसमें होल कर लिया है बीच में फिलिंग डालने के लिए। तो अब जो हमने मसाला बनाया है वो डाल लेते हैं। दही पुचका में ऐसे ही मसाला पहले बना कर दिया जाता है, उसमें डाल कर दिया जाता है सारी चीज़ें असेंबल करके और तब ही सर्व करते हैं इसे। देखिए मैंने भर दिया है अच्छे से। अब हम इसमें दही डाल लेंगे, सारी चीज़ें यहाँ फटाफट डालेंगे और ये चीज़ें अगर आप सर्व कर रहे हैं तो सर्व करने के थोड़ी देर बाद ही असेंबल कीजिए, नहीं तो दही पुचके को अगर आप पहले ही असेंबल करेंगे सारी चीज़ें उसमें पहले ही डाल देंगे तो वो सॉफ्ट होने लगेंगे। तो जब भी आप सर्व करें उसे थोड़ी देर पहले ही इसे असेंबल करें। तो अब हरी चटनी डाल लेते हैं। तो अब सभी चाट की जान इमली की खट्टी मीठी चटनी हम डाल देते हैं। इसमें आप अपनी पसंद से जो भी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लीजिए, जो चीज़ कम पसंद है तो आप कम डाल लीजिए। तो सभी चीज़ें मैंने असेंबल कर दी हैं, एक बार सभी चीज़ों को हम फिर से रिपीट करेंगे। तो लीजिए मैंने अच्छे से इसे बना दिया है। अब हम इस पर सेव डाल देंगे जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप, और फ्रेशनेस के लिए थोड़ा सा मैं अनार के दाने डाल रही हूँ।
तो ये लीजिए, दही पुचका बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इस होली पर आप भी अपने परिवार के लिए ये ज़रूर बनाइए। ये चाट अगर आप बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा वो इन्जॉय करेंगे और आप होली का दुगना मज़ा ले पाएंगे। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट पे आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।